हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस, टेट, सीटेट सब में बार बार पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के ऑटोमेटिक अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करें, इसको शेयर करें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों, मैं आपके सामने ऑप्शंस पढ़ते जाऊंगा, ए बी सी डी, आपको अपना साथ साथ में रिविजन भी करना है और साथ में कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इससे ये होगा कि आप जो है ये ऑडियो विजुअल है, ठीक है, तो इसके साथ में आप प्रैक्टिस भी करते चलेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको याद होते रहेगा। क्योंकि ऑडियो विजुअल जो होता है, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है, दिमाग में बहुत तेज बैठती है। तो अपना कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते रहिए। मैं आपके सामने चार ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है उड़ीसा और डी है महाराष्ट्र। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। मैं आपको 3 सेकेंड दूंगा हर आंसर के लिए, 3 सेकेंड में आपको आंसर टाइप करना है ए बी सी डी में से। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? जिन्होंने मेरा जनसंख्या जनगणना वाला वीडियो देखा होगा उनके लिए क्लियर होगा ये। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पश्चिम बंगाल, डी है महाराष्ट्र। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना पे मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जनसंख्या से और जन्म दर से, मृत्यु दर से और सभी जितने भी टॉपिक्स हैं जनगणना 2011 से रिलेटेड। तो भारत के महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, जल, वायु, सौर, कोयला। सही आंसर है कोयला। कोयला जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं जल, वायु, सौर, ये तीनों नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं। आपके सामने चौथा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चार ऑप्शन है, ए है कांगो, बी है राइन, सी अमेजन, डी मिसिसिपी। तो अमेजन सही है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। आपके सामने ये रहा चौथा पांचवा प्रश्न, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए हुआंगो, बी बुकियांग, सी तुंगतिंग, डी यांगसी क्यांग। आपके पास 3 सेकंड है। सही आंसर है वांगो। देखो, वांगो को जो है हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पीली नदी। तो ये याद रखिएगा आप, कभी कभी वांगो के बारे में पूछ लेता है किस नदी को पीली नदी कहते हैं, तो वांगो को पीली नदी कहते हैं और वांगो को चीन का शोक भी कहते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है, कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? ऑप्शन है स्वेज नहर, बी है पनामा नहर, सी है पाक स्ट्रेट, डी है बास स्ट्रेट। तो आइए जानते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन बी पनामा नहर। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बाकी अगर हम स्वेज नहर की बात करें तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सातवां प्रश्न आपके सामने है, कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतीलिया बलुई मिट्टी, दोमन मिट्टी। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, 3 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो आइए जानते हैं कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में कपास की पैदावार सबसे अच्छी होती है और ये महाराष्ट्र में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 भी है। अब बात करें आठवें प्रश्न की, तो मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ए अरावली, बी विंध्य, सी सतपुड़ा, डी कोल्ली हिल्स। सही आंसर है अरावली। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। आपके सामने आठवां नवां प्रश्न ये रहा, निम्न में से अभ्रक यानी माइका का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, बी श्रीलंका, सी दक्षिण अफ्रीका, डी मलेशिया। तो आइए जानते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है भारत। दोस्तों, भारत के राजस्थान में अभ्रक जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है और दुनिया की बात करें तो दुनिया में भारत का पहला स्थान है माइका यानी अभ्रक के उत्पादन में।
दसवां प्रश्न है, बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये बार बार पूछा गया है एसएससी में। आपके सामने चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, डी केरल। तो आइए जानते हैं सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। 11वां प्रश्न है, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है? ये तो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आईएएस, पीसीएस, एसएससी, आईएएस में मैच करने के लिए दिया जाता है, पीसीएस में भी मैच करने के लिए दिया गया है। कभी कभी वन लाइनर भी पूछ लिया जाता है कि समुद्र की गहराई किससे नापते हैं, और एसएससी रेलवे में तो बार बार पूछा गया है। और ये यूपी टेट, सी टेट और भी कई सारे स्टेट के टेट हैं, उनमें भी बार बार पूछा गया है समुद्र की गहराई किससे नापते हैं। ये सोशल स्टडीज़ के पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, सोनार, राडार, डॉपलर और मेजर। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो ऑप्शन ए सही है, सोनार। देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, समुद्र जो है, स से समुद्र, स से सोनार, बात हो रही है गहराई की, तो सोनार जो है समुद्र की गहराई नापने के काम आता है। 12वां प्रश्न है, अफ्रीका में जायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? देखिए ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन आ गया। चार ऑप्शन आपके सामने, टाइगानिका, रोडेशिया, कांगो, जंजावीर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, 3 सेकंड देता हूँ आपको। सही आंसर है कांगो। अफ्रीका ने जायरे देश में, अफ्रीका के जायरे देश ने अपना फिर से पुराना नाम कांगो रख लिया है दोबारा। तो अब अफ्रीका के जायरे देश को जो है कांगो कहते हैं। तो आपको ऑप्शन में कांगो या जायरे दिखेगा कहीं कहीं पे, तो याद रखिएगा कांगो जायरे एक ही बात है। 13वां प्रश्न आपके सामने है, भारत के निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? देखिए विद्युत परियोजना की बात हो रही है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, नवेली तमिलनाडु, कोरबा छत्तीसगढ़, दाभोल महाराष्ट्र। तो आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, दाभोल महाराष्ट्र। दाभोल महाराष्ट्र में भारत की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। 14वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्मचक्र का रंग क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, सागरी, नीला, काला, पीला। तो आपके राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, यानी नेशनल फ्लैग की बात हो रही है, तो आपको ये प्रश्न जरूर मालूम होना चाहिए। तो हमारे नेशनल फ्लैग का जो धर्म चक्र है, उसका रंग जानते हैं कौन सा होता है? नीला। तो हमारे जो, हमारा जो तिरंगा है, उसमें जो अशोक चक्र का सिंबल होता है, उसका कलर जो होता है नीला होता है, यानी ब्लू। 15वां प्रश्न, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो जल्दी से टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। मुंबई, यानी कि मुंबई जो है वो सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 16वां प्रश्न आपके सामने, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन आ गया एक बार फिर, एसएससी रेलवे में बार बार पूछा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शन है, गंगा, महानदी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो जल्दी से टाइप कीजिए ए बी सी डी में से चारों में से एक ऑप्शन। सही आंसर है महानदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे स्थित है। 17वां प्रश्न है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, भारत, पाकिस्तान, चीन, बर्मा। तो आइए जानते हैं सही ऑप्शन कौन है। सही ऑप्शन है चीन। देखिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे चावल चीन, ठीक है, च से चावल, च से चीन, यानी कि चीन को हम चाइना भी कहते हैं, तो चाइना चावल। तो याद रखिएगा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चीन है। 18वां प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, नासिक, पुणे, मुंबई, शोलापुर। तो आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, नासिक। तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु जो है नासिक है। 19वां प्रश्न आपके सामने है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। ए है आर्कटिक, बी है प्रशांत, सी है अटलांटिक और डी है हिंद महासागर। तो जल्दी से टाइप कीजिए अपना आंसर। तो आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, सागर में बहते हिमखंड यानी आइसबर्ग के द्रव्यमान में कुल कितने
के कुल 10 भागों में से कितना जल तल के ऊपर रहता है? तो एक बार फिर सुनिए प्रश्न को। अगर कोई हिमखंड पानी में डूबा हुआ है, यानी कि आंशिक रूप से तैर रहा है, हिमखंड को दोस्तों आइसबर्ग भी कहते हैं, तो उसकी 10 भागों में से कितना भाग पानी के ऊपर तैरेगा? आपसे यही पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 भाग, बी ऑप्शन है 2 भाग, सी ऑप्शन है 4 भाग और डी ऑप्शन है 6 भाग। तो 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 6 भाग में से एक आंसर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए 1 भाग, यानी कि अगर कोई आइसबर्ग यानी हिमखंड पानी में डूबा हुआ है, आंशिक रूप से तैर रहा है, तो उसका 1 भाग आपको दिखाई देगा पानी के ऊपर, बाकी 9 भाग जो है वो पानी के अंदर डूबे रहेंगे। 21वां प्रश्न आपके सामने है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, बी है भूमध्य रेखा में देखिए और भी कुछ ऐड है। ऑप्शन ए जो भूमध्य रेखा पर अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, ऑप्शन बी के अनुसार 180 अंश देशांतर पर पूर्व से पश्चिम को जाने पर, और ऑप्शन सी के अनुसार भूमध्य रेखा पर उत्तर से दक्षिण को जाने पर, और ऑप्शन डी है 180 अंश देशांतर पर पश्चिम से पूर्व जाने पर। तो मतलब आप किधर जाएंगे कि आपके जो डेली हैं उसमें एक दिन जुड़ जाए? तो आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व, अगर आप 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूर्व की तरफ पार कर लेंगे तो आपके दिनचर्या में एक दिन जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी कि आप 17 तारीख में मतलब 180 डिग्री देशांतर पे अगर आप पश्चिम में 17 तारीख में हैं, तो जो आप पूर्व में जाएंगे तो आप 18 तारीख हो जाएगा आपके लिए, तो यानी कि एक दिन बढ़ जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थली जिला नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू। तो आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कोटा। कोटा जो है राजस्थान का मरुस्थली जिला नहीं है, बाकी बाड़मेर, जैसलमेर और चुरू ये तीनों राजस्थान के मरुस्थली जिले हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, पालघाट, वायनाड, कोल्लम, इडुक्की। तो जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए। ऑप्शन सी कोल्लम। कोल्लम जो है केरल का तटवर्ती जिला है, बाकी तीन जो है पालघाट, वायनाड और इडुक्की तटवर्ती जिले नहीं है, तो याद रखिएगा कोल्लम केरल का तटवर्ती जिला है। 24वां प्रश्न है, सिंदरी बिहार अब झारखंड में है, ये क्योंकि अब बिहार का डिवाइड हो चुका है, दो पार्ट में बिहार डिवाइड हो चुका है, बिहार और झारखंड में, तो अब ये पार्ट झारखंड में चला गया है सिंदरी। तो यहाँ पे कौन सा उर्वरक उत्पादित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, यूरिया, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, डी है अमोनियम सल्फेट। तो यूरिया, अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट में से एक ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए यूरिया। देखिए सिंदरी बिहार में यूरिया का उत्पादन होता है। 25वां और आखिरी प्रश्न है, विश्व में सेब का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन टाइप कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी है रूस, सी है भारत और डी है चीन। तो आइए देखते हैं कौन सा सही आंसर है। सही आंसर है चीन। चीन में सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि विश्व में सेब के उत्पादन में चीन पहले स्थान पे है। तो आज का एमसीक्यू सेशन यही समाप्त होता है। कल मैं फिर आपके लिए एक एमसीक्यूज अपलोड करूंगा। मुझे पता है आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली एमसीक्यूज और करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहें, और इसको शेयर करके दोस्तों को पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।